सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। और जितने भी श्रोतागण आज मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ साथ सर्वप्रथम धन्यवाद करती हूँ श्री राम भगत नेगी जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और मुझे अपनी रचनाएं बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर। जो हम लिखते हैं, कुछ भी हम लिखते हैं, कोई कविताएं लिखते हैं, वो हमारे मन के भाव होते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी कवित्री नहीं हूँ, बस जो मन में आता है वो मैं लिख देती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इन रचनाओं को के सफ़र में मेरे साथ साथ चलेंगे और दिल से महसूस करेंगे। अब मैं एक जो सर्वप्रथम कविता आपको सुनाने जा रही हूँ, वो जब हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में हमारी ये एक कांड हुआ था, गुड़िया कांड, उसको लेकर के मैंने उस समय लिखी थी। तो मेरी पहली रचना, पहली रचना का शीर्षक है बाला थी वो चंचल अलहड़। आप सबसे अनुमति चाहती हूँ अब कविता पाठन करने के लिए। बाला थी वो चंचल अलहड़ निर्मल, क्या पता था घर में भविष्य के, घटना था कुछ भयंकर। हिम भूमि भी हुई शर्मिंदा, क्यों हुआ मानव आज तू दरिंदा। थी वो पावन गंगा की तरह, चंचल अलहड़ नदियां सी, छुई मुई कली गुलाब सी, बढ़ती चली जा रही थी वो अनजान से, बनानी जो उसे अपनी पहचान थी। पता नहीं आखिर क्यों चली गई हूं मैं, क्या कब कैसे ये सब घटित हुआ, सोच सोच कर ये सब मन मेरा व्यथित हुआ। सब प्रश्नों के उत्तर बस मौन बनकर रह गए। विडंबना तो देखिए, पहचान तो बनी उसकी पन्नों में अखबारों के, हुई चर्चित बहुत वो टीवी व बाजारों में। कुछ कह रहे थे नग्न लाश को उसकी, नोच रहे हैं नोच रहे थे कुत्ते चीले, पर मैं सोच रही थी कि चींटे कीट पतंगे भी अमानवता को मानव की छुपाने क्रमबद्ध पंक्तियों में चलकर आंचल उसे उड़ा रहे थे। मानवता की दे दुहाई, देखिए आंचल भी प्रकृति ने उड़ाया, नपुंसकता पर मानव की है सारा लोक शर्माया। ये तब लिखी थी, तो मैंने दो पंक्तियां, आज तो उनको सजा उनमें से कईयों को हो चुकी है, पर ये पंक्तियां मैंने पहले लिखी थी। तो मैंने लिखा था कि खुलेआम घूम रहे हैं आज भी वो सड़कों और बाजारों में, ये कैसी न्याय की व्यवस्था कि आज भी है उसके माँ बाप की दीनहीन अवस्था। जागना होगा, जागना होगा हम सबको, नहीं तो समय ऐसा भी आएगा जन्म देने से पहले कली को पौधा खुद ही खा जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कविता अच्छी लगी होगी, और जो इसमें कमियाँ होंगी तो वो मुझे आप मैसेज कर बता देंगे। उम्मीद पे ही दुनिया ठहरी हुई है हमारी, और हमें इस दौर ऐसी दुर्घटनाओं को ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए हम सबको मिलकर, ताकि हमारी बच्चियों को एक अच्छा माहौल मिले और हम पेरेंट्स को चिंता ना हो। हमारी बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, तो इस तरह की उम्मीद मैं करती हूँ। एक कविता है अगली मेरी, वो कविता हम सब माओं, जो माएँ फील करती हैं अपनी बेटी के लिए, उसके ऊपर मैंने लिखा है। चाहे मेरी बेटी हो और चाहे आपकी बेटी, हम सब यही माएँ फील करती हैं। जब मेरी बेटी हुई तो मैंने ये कविता लिखी कि देखा तुमको, मेरी कविता का शीर्षक है बिटिया, देखा तुमको जब पहली बार तो लगा जैसे परीलोक से आई हो, स्याह केश गौर वर्ण, शांत निश्चल नयन,
मन ही मन मैं मुस्कुराकर कमजोर तन में तुम्हें समाकर बुनने लगी थी सपने हजार। वो पालने में तुम्हारा झूलना, वो नित नए अक्षर बोलना, सच मातृत्व का हर क्षण हर एहसास जिया मैंने तुम्हारी अटखेलियों के साथ। फिर बीतता गया समय का चक्र, कब बड़ी हुई मैं ना जानूं, आज भी तुम हो मेरी नन्ही गुड़िया, यही मैं मानूं। थैंक यू सर प्रोत्साहन देने के लिए राजीव शर्मा जी। और क्योंकि मैं पेशे से अध्यापिका हूँ, तो मैंने अक्सर देखा है कि जब बच्चे टेंथ पास करते हैं तो बड़े जोरों शोरों से आर्मी की भर्ती की तैयारी करने लगते हैं। फौज में भर्ती होना उनका लक्ष्य होता है, और उसके लिए मैंने स्वयं देखा है कि बच्चे किस तरह से मेहनत करते हैं। और फिर आगे मैंने कुछ अपना भी जोड़ा है, जो मैंने देखा है, महसूस किया है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सैनिक। इस कविता में मैंने यही बताया है कि बच्चे किस तरह तैयारी करते हैं। तो बचपन बीता जब हुआ किशोर, बचपन बीता जब हुआ किशोर, सुना उसने चहूं और सैनिक भर्ती का शोर। बांका जवान वो छैल छबीला, पर सच में था वो बड़ा जोशीला। आखिर सवाल मातृभूमि के आन का, लगा दिया दाव उसने अपनी जान का। फिर मैंने बताया है कि किस तरह से मेहनत करते हैं, और हम आराम कर रहे होते हैं और बच्चे कैसे मेहनत करते हैं। बांध पिट्ठू भोर में अपनी कमर पर, वो लगाए मीलों दौड़। जब हम सब सोए रजाई ओढ़ के ओढ़ कर, वो लगाए पूरा जोर। कभी दौड़ता सरपट सरक पर, कभी करे दंड बैठक का शोर। रंग लाई आखिर उसकी मेहनत, बन गया फौजी वह नव किशोर। जब एक बालक फौजी बन जाता है तो परिवार के भी दायित्व होते हैं उसके ऊपर, और उसका भी होता है कि अब मैं ये करूँगा वो करूँगा, सपने होते हैं। तो आँखों में लिए सतरंगी सपने याद आए सब जब अपने, तो सोचा निश्चित ही अब खेत खलियान छुड़ाऊँगा। माँ अपनी के लिए घर एक बड़ा बनवाऊँगा, बहना के हाथ जल्द कर पीले डोली में उसे बैठाऊंगा, और बाबा के रोग की अब दवा दारू करवाऊंगा। बीते साल 2-3 और सैनिक खुश था फर्ज निभाते। तभी खबर एक आई कि दुश्मन की सेना ने मातृभूमि पर करी चढ़ाई। अब आ गया था वक्त जौहर दिखलाने का, मातृभूमि की आन बान और शान पर मरमिट जाने का। युद्ध भूमि में उसने चमकर दुश्मन की करी धुनाई थी, किया सामना हर वार का, पर गोली नहीं पेट पर खाई थी। हो गया छलनी छलनी सीना उसका, पर लाज देश की बचाई थी। लिपट तिरंगे में जब पहुंचा शव उसका, तो माँ बहुत घबराई थी। हो गई वो जड़वत देखकर, आंखों में छुपा अश्रु उसने, जिस धरती माँ पर बलिहारी हो गया उस पर नजर गड़ाई थी। देखे देखे प्रकृति की अजब विडंबना, उसने भी बूंदे बरसाकर नम आंखों से उस नव किशोर को दी भाव विहल विदाई थी। इस मंच के जरिए किन्नौर, अब तक मंच के जरिए मैं आर्मी को सलाम करती हूँ और अपने फौजी भाइयों को नमन करती हूँ, जिनकी वजह से हम आज चैन की नींद सोते हैं। आज हो या कल हो, कितने यही एक सिलसिला चला रहा है, और वो अपने देश के ऊपर प्राण न्यौछावर कर देते हैं। हम चैन से सोते हैं और वो सर्द रातों में किस तरह से पहरे देते हैं, और किस तरह से जो है उनका